ये तो मानना पड़ेगा कि मेरे गार्ड्स भी मुझे इनसे नहीं बचा पाए, और देखो मैं यहां हूं। आप दोनों को भी कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि ये अपनी जगह एकदम सही है, और ये जो करना चाहते हैं उसको करने की पूरी हिम्मत रखते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे डर लग रहा है? तुम वहां अंदर जाओगे ना, थोड़े बहुत गुस्सा आ जाएगा, और पता नहीं गुस्से में वो क्या कर जाए। कि वो आरवी पूर्वी को कुछ नहीं करेंगे, उन्हें गोली नहीं मारेंगे, क्योंकि क्योंकि वो उनका बचने का जरिया है। हाँ हाँ, उनका इस्तेमाल जरूर करेंगे, हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, पर कि तुम जैसे अंदर जाओगे ना, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। कि तुम प्लीज, तुम अंदर नहीं जाओगे, मुझे तुम्हें नहीं खोना है, नहीं। कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? भरोसा रखो मुझ पे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने आप को, मैं अपना ध्यान रखूंगा, भरोसा रखो। और मैं आरवी और पूर्वी दोनों को लेकर आऊंगा, मैं वादा करता हूं, मैं उनको सही सलामत लेके आऊंगा, भरोसा रखो मुझ पे, ट्रस्ट मी। बस आशु, इनफ। मैंने कह दिया ना, मुझे अंदर जाना है, और मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं है वक्त मेरे पास। पूरी को फोन लगाइए, लगाइए जल्दी, पूरी को फोन स्पीकर पे रखिए, उसे बोलिए जल्दी आरवी के पास जाए, उसे बोलिए ना जल्दी। आप देख नहीं रही आप उसकी हालत क्या है? आरवी की जान खतरे में, उसे बोलिए, क्यों नहीं जा रही वो वहां? इतने बातें भी कैसे हो सकती है वो? एक सेकंड, पहले रिलैक्स, काम ना हो। मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, पर यहाँ पे खड़े होके आप नहीं बोल सकती अंदर क्या हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पे खड़े होके देख ही रहे हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके मैं हालात संभालने वाला हूँ। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आरवी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जा रहा हूँ अंदर देखने के लिए, ठीक है? और प्राची की कोई गलती नहीं है। आप प्राची को क्यों बोल रही है? उसको अंदाजा नहीं है क्या हो रहा है? वो खुद अभी आई है, उसको सिचुएशन नहीं पता है। जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं है, वैसे उसके भी हाथ में कुछ नहीं है, तो आप उसको मत बोलिए। नहीं, लेकिन वो पूरी की माँ है, उस नाते तो उनके हाथ में बहुत कुछ है, तो फोन तो लगा के उसको बोल नहीं सकती है। पूर्वी प्यार करती है आपके बेटे से, बहुत ज्यादा प्यार करती है। पूर्वी ने अपनी जान दांव पे लगाकर आरवी को बचाने की कोशिश करी, वो इसीलिए अंदर गई, वो आरवी के साथ थी, उसका ख्याल रख रही थी, अपनी जान की फिक्र बिना करे। अगर इस वक्त पूर्वी अगर उसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब पक्का कुछ ऐसा हो रहा है जो हम लोग नहीं जानते यहाँ पे खड़े हो गए। इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, ताकि मैं अंदर जाके देख पाऊँ कि क्या हो रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आरवी और पूर्वी को कुछ नहीं होने दूंगा। और आप जो इन पे गुस्सा कर रही हैं, उस गुस्से की जगह अगर एक बार रुक के आप बस एक दूसरे को सहारा दें, क्योंकि हम सबके बच्चे अंदर हैं। और अगर इस वक्त आप कुछ करना भी चाहती हैं, तो बस प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमारे बच्चे ठीक रहें। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि हम सबके बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे अंदर एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, और हम यहाँ पर उनको मतलब ही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं ना मिस्टर केके, मेरी टीम आ रही है, आप इंतजार तो कीजिए। नहीं, इंतजार मैं और नहीं कर सकता हूँ सर, आई एम रियली सॉरी, इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे बच्चे अंदर बहुत परेशान है, उनके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो सही, अगर नहीं कर सकते तो मैं खुद चला जाऊंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। मिस्टर केके प्लीज सुनिए।